सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके ऊपर बल आघूर्ण कितना लगेगा। और इसी सेगमेंट में, इसी वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क यानी बल आघूर्ण कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में थीटा एंगल घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यानी यहाँ पे टॉर्क वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग निकालेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे टॉपिक को हम लोग तीन भाग में करके पढ़ेंगे, पहले टॉर्क, फिर वर्क डन, फिर पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही वीडियो में ये बहुत ही कम समय में ये कवर हो जाएगा, ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। और एक ही फिगर तीनों में अप्लाई होगा, इसीलिए इस ये जो डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को अच्छे से पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे इसका ए सिरा निगेटिव चार्ज का बना है और बी सीधा सेम बट अपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज का है, और इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल ए है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की ओर, ये P है। तो P का फॉर्मूला जल्दी से बना लीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा, एक चार्ज Q इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी Q इंटू A, ये बन गया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अब चूंकि ये जो डाइपोल है वो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के सापेक्ष में थीटा एंगल पे है, तो इसके ऊपर एक बल आघूर्ण काम करेगा, एक टॉर्क काम करेगा जो इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा देगा, रोटेट कर देगा। कैसे, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ई है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और वो फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई लगता है पॉजिटिव। और जो दूसरा इसका चार्ज वो माइनस क्यू से बना है, तो आप जानते हैं निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एफ इक्वल टू लगेगा माइनस क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे दोनों चार्ज चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उस पर फोर्स तो मैग्नीट्यूड में परिमाण में समान लग रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, इधर बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस निगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो बल है, जो दो बल युग्म बन रहा है, जो कपल ऑफ फोर्स है, ये फोर्स इस डाइपोल को, ये जो इसका सेंटर ओ है, इसके अराउंड इसको क्या कर देगा, घुमा देगा इस तरह से, यानी एक बल आघूर्ण जनरेट हो जाएगा, टॉर्क उसी का हमें वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टॉर्क बल आघूर्ण बराबर, क्योंकि दोनों बल बराबर होते हैं तो कोई एक बल गुणे इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ली जाती है, बस वही टॉर्क होता है। तो अब यहाँ पे हमें एक बल जो ये है जो इधर लग रहा है, दूसरा बल जो अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है, इन दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज के बीच की दूरी हमने कितना माना है, ए, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला जो लंब है ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा, बस हो गया। टाउ इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू एक बल और इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी ए इनटू साइन थीटा। अब जो बल है चूंकि मैग्नीट्यूड में सेम होगा बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो वो नेगेटिव को छोड़ दीजिए, कोई एक बल ले लीजिए, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनटू ई ए साइन थीटा, और यहां पे क्यू को ए के साथ ले लीजिए तो E into Q into A sin theta, और यहाँ पे Q into A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P होता है। तो tau का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे P E sin theta, यही तो होता है टॉर्क, बस सिंपल सा एकदम दो लाइन का डेरिवेशन है। हाँ लैंग्वेज भले ही है, लैंग्वेज इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, जो लोग हिंदी में बना रहे हैं नोट्स वो नोट कर लीजिएगा कि माना कोई जो बल कोई डाइपोल यानी द्विध्रुव जो कि माइनस और प्लस चार्ज से मिलके बना है, उनके बीच की दूरी ए है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण P जो है P वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। ये इतना लैंग्वेज आप बना लेंगे। द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये मैंने बता दिया, दोनों चार्ज बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेंगे, उस बल का परिमाण मैग्नीट्यूड ये होगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क यानी बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग रख देंगे, ये तो मैं आपको डेरिवेशन में बता ही चुका हूं, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये इस साइन थीटा को एब्जॉर्ब करा दीजिए, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई।
क्यों? क्योंकि ये जो P डाइपोल मोमेंट है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है? थीटा। देखिए P तो इधर है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर माना जाता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उसके बीच कोण थीटा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कर देंगे, ये वही फॉर्मूला है, आप इसको ओपन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो पी इंटू ई इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, स्पेशल केस देख लेते हैं, अगर थीटा जीरो हो तो इनके ऊपर टाउ जो टॉर्क है वो मिनिमम लगेगा, वो समझ में भी आ रहा है। अगर ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लेट आ रहा है, ये हो गया निगेटिव क्यू, ये होगा पॉजिटिव क्यू, यानी थीटा इस केस में जीरो है। तो आप समझ रहे हैं जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू इंटू ई, उतने ही फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्यू इंटू ई, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये नेट में कहीं न इधर खिसकेगा न उधर, किसी भी प्रकार का कोई टॉर्क नहीं जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट होने के लिए ये जरूरी है कि जो दोनों बल कार्य करते हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। जैसे इस बल का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है और इस बल का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, दोनों बलों के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच में दूरी है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब अगर मान लीजिए एक बल यहाँ पे लग रहा है और उसी लाइन में ये बल अपोजिट, तो लाइन ऑफ एक्शन तो सेम हो गया ना इसका, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। अब मैक्सिमम कब लगेगा? जब थीटा 90 डिग्री हो, देन टाउ जो मैक्सिमम वो लगेगा P इनटू E, यानी ये बल आघूर्ण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ऐसे में इस पे इधर बल लगेगा Q इनटू E, पॉजिटिव वाले पे, नेगेटिव वाले पे लगेगा माइनस Q इनटू E, और ये इसको क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से घुमा देगा इस डाइपोल को, समझ में आया ना। तो 90 डिग्री पे होगा तो उस पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो ये सिंपल था टॉर्क। अब हम लोग निकाल लेते हैं वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा। हम लोग कार्य निकाल लेंगे, चूंकि स्थितिज ऊर्जा जितना कार्य हमें इस डाइपोल को घुमाने में लगेगा वही कार्य वही वर्क जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक, तो हमें केवल वर्क डन ही निकालना है, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी काम करेगा। फिगर दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, सेम फिगर है। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल डी थीटा, क्योंकि मान लेते हैं इसको थोड़ा सा एंगल डी थीटा अगर घुमाया जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा जो कार्य डी डब्ल्यू करना पड़ेगा वो होता है फॉर्मूला टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बल आघूर्ण गुणे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन, ये कार्य का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे टॉर्क पी साइन थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा माने हैं, तो ये तो हुआ थोड़ा सा एंगल डी थीटा घुमाने में थोड़ा सा किया गया कार्य डी डब्ल्यू, लेकिन हम चाहते हैं कि इस डाइपोल को हम 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाएं, तो ऐसे में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी 0 से थीटा PE sin थीटा को इसको इंटीग्रेट करेंगे, sin थीटा का माइनस cos थीटा, लिमिट 0 टू थीटा, जैसे ही रखेंगे हमें वर्क डन मिल गया PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना, cos 0 का मान 1 और cos थीटा, क्योंकि 0 से थीटा तक हम लोग घुमाएं, ये हमारा निकल गया वर्क डन। स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, यानी उसको 0 से 90 डिग्री तक घुमाएं तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, P into E, लेकिन अगर इसको 0 से 180 डिग्री तक घुमाएं तब कार्य सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, ट्वाइस PE कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे एक अजम्पशन याद रखिएगा, आमतौर पे हम लोग थीटा बराबर 90 डिग्री वाले जो जो पोजीशन है उस पे हम लोग मान के चलते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल का है वो कितना है, 0 मान के चला जाता है। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो डाइपोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो 90 डिग्री पे जब रखा जाता है, यहाँ पे ये माइनस क्यू और यहाँ पे ये प्लस क्यू, तो इस पोजिशन में हम लोग मानते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जीरो जीरो है, मिनिमम भी नहीं, जीरो, मिनिमम निगेटिव में हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। तो ऐसे में जब हम लोग इसका निकालेंगे पोटेंशियल के लिए, तो होता क्या है कि जो डाइपोल को घुमाने में जो उसको रोटेट करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इसके पोटेंशियल के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले स्टेट से 90 डिग्री तक थीटा डिग्री पोजीशन पे घुमाएंगे।
बात नहीं समझ में आई? यहां पे जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट वो लिमिट होगा जहां पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने थे। तो किस पोजीशन में जीरो माने हैं? 90 डिग्री पे। तो यानी यहां पे लोअर लिमिट जो होगा वो पाई बाई टू से होगा और अपर लिमिट कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा ले ले रहे हैं। मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो वहां पे जो वर्क डन हम लोग वर्क डन निकालेंगे या ये पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे लिमिट हम लोग 90 डिग्री से थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे हम लोग पोटेंशियल उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने। तो जीरो यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकालने में जो कि थीटा एंगल पे हो, उसके लिए हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यही यहां पे मैंने लिखा है, द वर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द डाइपोल फ्रॉम पाई बाई टू यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन टू थीटा पोजीशन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। कुछ करना नहीं है, W बराबर वही जो कार्य है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाउ इनटू डी थीटा, और यहाँ निगेटिव रहेगा निगेटिव, एंड पाई बाई टू टू थीटा हमारा यहाँ पे लिमिट हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये टाउ का वैल्यू हमने रख दिया, और चूंकि टाउ की वैल्यू क्या आई है, टाउ की वैल्यू यहाँ पे पी ए साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे ये टाउ की वैल्यू निकाले थे ना, ये पहले टॉपिक पढ़ाए थे ना, ये टाउ का वैल्यू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, और इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए तो पी डॉट ई बनेगा। ये इसका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। स्पेशल केस देख लेते हैं, इसमें भी तीन कंडीशन होता है। एक होता है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वही पोजीशन है जब थीटा बराबर जीरो हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो इसी डायरेक्शन में, तो इस केस में इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस केस में आप जानते हैं, इस केस में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव में होगी, मिनिमम होगी, ठीक है ना, मिनिमम निगेटिव में है। उसके बाद हाँ, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, निगेटिव में मिनिमम है, और इस केस में इसमें टॉर्क भी जीरो होगा इस वाले केस में। अब आते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो वो तो शुरू शुरू में बता दिया कि जो 90 डिग्री का पोजीशन होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल अगर 90 डिग्री पे इस पे रखा है तो उसमें जीरो पोटेंशियल एनर्जी का वो कंडीशन होता है। तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी, और इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी इस कंडीशन में जो जो डाइपोल रखा है वो रह नहीं पाएगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो घूम जाएगा, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो पहला कंडीशन था जीरो डिग्री वाला, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो मैंने आपको बताया भी था। अगर उसी डायरेक्शन में ये रहेगा डाइपोल तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो आराम से उसी में स्टेबल इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, कोई टॉर्क नहीं जनरेट होगा। माने इस केस वाले के लिए टॉर्क जब आप टाउ निकालेंगे तो जीरो आएगा, मैंने बताया भी था शुरू शुरू में स्पेशल केस में। अब हम लोग आते हैं लास्ट में पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 90। अच्छा, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो मैंने बताया था उसका कोई नाम नहीं है, उसको बस जीरो पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये दूसरा कंडीशन है, हालांकि ये भी स्टेबल नहीं है। ये नहीं कि मतलब ये जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो सिचुएशन है जो 90 डिग्री पे ना, ये भी स्टेबल नहीं है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको नहीं, दरअसल ये 180 डिग्री वाले को बोलते हैं। क्यों अभी मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मुझसे बोलने में मिस्टेक हुआ है, मैं फिर बता रहा हूं, जो मैंने बताया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम हम नहीं देंगे वहां पे, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं है, ये भी अनस्टेबल ही है एक तरह से, ठीक है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो है ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अनस्टेबल है, ठीक। अब आता है तीसरा केस कि जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो इस केस में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसा क्यों, इसको जरा समझिए। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में 180 डिग्री पर रखने का मतलब आपने समझा कि जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर। यानी आप देख पा रहे हैं ये हाईली अनस्टेबल ये भी है,
मतलब इसी को बोला जाता है ये इक्विलिब्रियम तो है बट ये अनस्टेबल है, जरा सा आप डिस्टर्ब कर देंगे तुरंत ये कल्टी मार जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं। और जबकि पहला केस आराम से, पहला केस में ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इधर ये इसको इधर खींच रहा है प्लस चार्ज को, ये निगेटिव को इधर खींच रहा है, और ये आराम से स्टेबल इसी डायरेक्शन में सोया हुआ है। बट पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उल्टा, और इसको जरा सा भी आप डिस्टर्ब कर देंगे तो तुरंत ये पलट जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसलिए बोला जाता है कि अगर उसी पोजीशन में बना रहे आप उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किए तो तुरंत अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में अगर थोड़ा बहुत आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करते भी है ना, तब भी वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम को बनाने की एक बार कोशिश करेगा कि मैं उसी कंडीशन में बना रहा हूं। ये इन तीनों कंडीशंस का मतलब हुआ, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है।